Hello and welcome to Indian Yumm. This is your host Shilpa. Today I'm gonna show you how to make milk powder ice cream. This really super easy recipe and you will get delicious homemade ice cream. So let's get started and check out the recipe. मिल्क पाउडर आइसक्रीम बनाने के लिए एक बाउल में हम ऐड करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर, अराउंड 3/4 कप ऑफ शुगर, दोनों को मिक्स कर लेंगे। हम इसमें ऐड कर रही हूँ अराउंड 1/4 कप ऑफ मिल्क, इसे भी मिक्स कर लें। अब एक इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर की हेल्प से बैटर को थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। तो ये बैटर रेडी हो गया है। अब एक बाउल में मैंने आधा कप हैवी क्रीम लिया है। आप किसी भी ब्रांड का हैवी क्रीम यूज कर सकते हैं या फिर इसकी जगह आप अमूल क्रीम भी यूज कर सकते हैं। अब इसे हम व्हिप करेंगे। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर को मीडियम स्पीड पे सेट करके हमें इसे अराउंड 2 मिनट तक व्हिप करना है। तो देखिए 2 मिनट व्हिप करने के बाद ये क्रीम रेडी हो गई है। अब इस क्रीम में हमने जो बैटर रेडी किया था उसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पहले आधा बैटर ऐड करेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। अब बाकी का बैटर भी ऐड कर देंगे। देखिए हमने क्रीम को बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ मैंने ग्रेट किया हुआ डार्क चॉकलेट लिया है। तो मैंने डार्क चॉकलेट को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। आप इसकी जगह मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चॉको चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे ऐड कर देंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। तो हमने सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्लास का कंटेनर लिया है। आप इसकी जगह प्लास्टिक या कोई स्टील का कंटेनर भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें मिक्सचर ट्रांसफर कर देंगे। इसे हल्का सा शेक कर ले। अब मैं इसे यहाँ प्लास्टिक रैप से कवर कर रही हूँ। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। और इसे कवर करके हमें मिनिमम 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट फ्रीज करना है। तो देखिए हमारी मिल्क पाउडर आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ और सॉफ्ट है और इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं बने हैं। तो मैंने आइसक्रीम के स्कूप्स इस बाउल में निकाल लिए हैं। आप इसे ग्रेटेड चॉकलेट या फिर रेनबो स्प्रिंकल्स के साथ गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ रेनबो स्प्रिंकल्स का यूज किया है। बहुत ही इजी मिल्क पाउडर आइसक्रीम बनके तैयार है। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो हाउ इट टर्न्ड आउट। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी एंड फॉर मोर रेसिपीज प्लीज सब्सक्राइब टू इंडियन यम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।